Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. Friends, in today's video lecture, I am going to discuss with you the theory of law of three stages, which is given by Auguste Comte. Friends, in previous lecture, I have discussed with you the biography and main work of Auguste Comte. In this video lecture, I am going to discuss with you the thought of Auguste Comte about the progress and evolution of society and human thinking. Friends, जिन लोगों को नोट्स लिख के लेना है तो यह वो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है. तो स्टार्ट करते हैं. द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस. इन एज अर्ली एज 1822 व्हेन ऑगस्ट कॉम्टे वाज स्टिल वर्किंग एज सेंट साइमन सेक्रेटरी ही अटेम्प्टेड टू डिस्कवर द सक्सेसिव स्टेजेस थ्रू विच ह्यूमन रेस हैड इवॉल्व्ड. 1822 में ऑगस्ट कॉम्टे जब सेंट साइमन के सेक्रेटरी थे. पता है सेंट साइमन कौन है? सेंट साइमन एक फिलोसोफर थे जो बाय बर्थ एरिस्टोक्रेट थे, यानी कि जमींदार थे, बट फिर भी उनकी आइडियोलॉजी यूटोपियन सोशलिस्ट थी. वह ऐसा मानते थे कि जितने भी बॉर्जियोजी लोग हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट लोग हैं, जमींदार लोग हैं, उन लोगों ने अपनी जमीने, अपनी प्रॉपर्टी जो कॉमनर्स है, जो गरीब लोग हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए और सोसाइटी में एक इकोनॉमिक इक्वालिटी आनी चाहिए. देखो जब भी क्वेश्चन आता है ना सेंट साइमन के ऊपर, तो सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी की ये बात करते हैं. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की ये बात करते हैं. यह आप लिख लीजिए कहीं पर. इन हिज स्टडी ही बिगन फ्रॉम द स्टेज ऑफ ह्यूमन रेस नॉट मच सुपीरियर टू द ग्रेट एप्स टू द स्टेज एट विच ही फाउंड द सिविलाइज सोसाइटी ऑफ यूरोप. ऑगस्ट कॉम्टे ने जब ह्यूमन माइंड और ह्यूमन सोसाइटी का जो प्रोग्रेस कैसे हुआ, यह स्टार्ट उन्होंने कब किया, जब से ह्यूमन बीइंग नॉट मच सुपीरियर देन ग्रेट एप्स, जो ग्रेट एप्स थे यानी कि जिसे हम बंदर कहते थे, उनके जैसे लगभग ह्यूमन बीइंग बिहेव करते थे एंशिएंट पीरियड में, तब से सिविलाइज सोसाइटी जो यूरोप की है वहां तक उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया. इन दिस स्टडी ही अप्लाइड साइंटिफिक मेथड ऑफ कंपैरिजन एंड अराइव्ड एट द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस और द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस. देखो उन्होंने साइंटिफिक मेथड ऑफ कंपैरिजन का जो साइंटिफिक मेथड है वह उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने क्या बनाया, द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस और द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस. द प्रिंसिपल इवॉल्व बाय कॉम्टे इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन थिंकिंग प्रिज्यूम्स ग्रेजुअल इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन थिंकिंग एंड इज नोन एज द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस ऑफ थिंकिंग. देखो ऑगस्ट कॉम्टे ने ह्यूमन प्रोग्रेस का जो थ्योरी बनाया तो उसमें उन्होंने ग्रेजुअल इवोल्यूशन जो ह्यूमन थिंकिंग में हुआ है वह मेंशन किया है. ही ऑब्जर्व एफिनिटी बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या किया, बेसिकली उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ उसी तरह से सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो गया, यह उन्होंने संबंध इसमें दिखाया है. ठीक है. ऑगस्ट कॉम्टे बिलीव्ड दैट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड हैड टेकन प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल माइंड. ऑगस्ट कॉम्टे बिलीव करते थे ह्यूमन माइंड का जो इवोल्यूशन हुआ है वह इंडिविजुअल माइंड के इवोल्यूशन की तरह ही हुआ है. देखो इन अदर वर्ड्स He holds that just as individual develop from the stage of devoid believer in childhood, वह मानते हैं कि एक individual, एक क्या होता है, devoid believer होता है childhood में. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये बच्चा है. ठीक है. अगर इसको आप कुछ भी बोलेंगे तो ये आपके ऊपर जल्दी बिलीव करेगा, क्योंकि इसको critical thinking इसका develop नहीं हुआ है. तो बच्चों को आप कुछ भी बोलो बच्चा उसको फॉलो करता है, वो देखता नहीं कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है, बस आप उसको कुछ बोल दो वो डिवोट फॉलोअर आपका बन जाता है. तो उसी तरह ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज जो था, जो हम आगे देखेंगे,
कि उसमें आदमी डिवोइड बिलीवर था, ठीक है. टू अ क्रिटिकल मेटाफिजिशियन वन हु क्वेश्चन द अब्स्ट्रैक्ट नोशन ऑफ एग्जिस्टेंस इन एडोलेसेंस. देखो जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वह क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे बना है, वो कैसे बना है, तो ये सारी चीजें वह क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उनको क्यूरियसिटी होती है कि जानना है कुछ तो भी क्या है इसके पीछे. ये सेकंड स्टेज है. देन टू अ नेचुरल फिलोसोफर इन एडल्टहुड. सो ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड देयर सिस्टम ऑफ थॉट हैव इवॉल्व्ड इन थ्री स्टेजेस. देखो जब एडल्टहुड आता है तब आदमी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वह अच्छी तरह से जानता है, तो वो एक नेचुरल फिलोसोफर बन जाता है. दीज थ्री स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स आर फॉलोइंग. ह्यूमन थॉट्स की थ्री स्टेजेस है जो इवोल्यूशन की, वो यहां पर दी है. देखो यहां पे द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस और थ्योरी ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस. देखो पहला स्टेज क्या है, थियोलॉजिकल और फैक्टिशियस स्टेज डोमिनेटेड बाय प्रीस्ट एंड रूल्ड बाय मिलिट्री मैन. जो पहले का एंशिएंट फेज था तो वहां पे जो प्रीस्ट लोग थे बेसिकली वही डोमिनेट करते थे सोसाइटी को. जो प्रीस्ट बोलेंगे वही सोसाइटी फॉलो करती थी और उनके ऊपर मिलिट्री मैन जो थे, जैसे बड़े बड़े राजा हो गए, उनके सैनिक हो गए, वो रूल करते थे उस सोसाइटी के ऊपर. फिर सेकंड स्टेज कौन सा है, मेटाफिजिकल और अब्स्ट्रैक्ट स्टेज अंडर द स्वे ऑफ चर्चमैन एंड लॉयर्स. मेटाफिजिकल में बेसिकली इसका एक्सटेंशन है थियोलॉजी का आगे, तो इसमें बेसिकली इसमें क्वेश्चन करना आदमी स्टार्ट करता है. तो ये मिडिवल सोसाइटी से हम इसको कंपेयर करेंगे. इसमें बेसिकली चर्चमैन जो चर्च है और लॉयर्स है, यह इसमें डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं. और थर्ड है पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज गवर्न्ड बाय इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड साइंटिफिक मॉरल गाइड्स. जो थर्ड स्टेज है पॉजिटिव स्टेज, इनको उन्होंने साइंटिफिक स्टेज कहा है कि इस स्टेज में जो कुछ भी होता है वह साइंस के बेस पर होता है. वहाँ पे एक आपको ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करना होता है, ठीक है. तो थियोलॉजिकल स्टेज में बेसिकली फैक्टिसिज्म, बिलीव इन सम लिविंग स्पिरिट इन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, फेटिस के ऊपर यहाँ पे बिलीव किया जाता है. ये फर्स्ट स्टेज था इसमें स्टार्टिंग में. फिर पॉलिथिज्म आ गया, बिलीव इन सेवरल गॉड्स एज वेल एज नेचुरल एंड ह्यूमन फोर्सेस. यहाँ पे डिफरेंट गॉड को माना जाता था, बहुत सारे गॉड्स को माना जाता था. और थर्ड फेज कौन सा आया है इसमें थियोलॉजिकल में, जो लास्ट फेज कहा जाता है, जिसे क्लाइमेक्स कहा जाता है, वो मोनोथिज्म है, बिलीव इन वन गॉड हु इज सुप्रीम. देखो थियोलॉजिकल स्टेज अब डिटेल से पढ़ेंगे. थियोलॉजिकल स्टेज का स्टेज जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है. बेसिकली थियोलॉजिकल स्टेज में सोसाइटी का नेचर कैसा था, मिलिट्री सोसाइटी थी, ठीक है. और यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या था, वहाँ पे यूनिट ऑफ सोसाइटी जैसे कि यहाँ पे एनजीओ हो गया अभी मॉडर्न स्टेज में, या नाटो हो गया, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या था, फैमिली था. फैमिली ही बस यूनिट था, उसके आगे उन लोगों को कुछ पता नहीं था. तो बेसिक प्रिंसिपल क्या था, बेसिक प्रिंसिपल था लव ऑफ अफेक्शन, सॉरी लव ऑफ फैमिली. फैमिली के प्रति उनका प्यार था और अफेक्शन था एक दूसरे के बीच में. इसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो फेटिसिज्म है. देखो इन ये जो ट्राइब्स है इन लोगों ने एक फेटिश बनाया है, ऐसे कोई एक वस्तु होती है जो जिनकी ये लोग पूजा करते हैं. इनको इनका ऐसा बिलीव है कि ये जो थिंग्स है इसमें भगवान है, इसमें एक सुपर नेचुरल पावर है, और यह सुपर नेचुरल पावर्स इनको दूसरे चीज़ों से प्रोटेक्ट करेंगे. जैसे कि ये थंडरस्टॉर्म इधर हो रहा है, या कोई रेन हो या फायर हो, ये इन सारे चीज़ों से इन ट्राइब्स लोगों को फेटिश जो है यह उनको प्रोटेक्ट करेगा. फिर दूसरा इसमें थियोलॉजिकल स्टेज में दूसरा आता है पॉलिथिज्म. जैसे कि अपना हिंदू रिलीजन हो गया, इसमें अनेक
डिफरेंट गॉड्स होते, इनके ऊपर बिलीव किया जाता है। और थर्ड है मोनोथीज्म, मोनो का मतलब है एक, पॉली का मतलब है अनेक, यानी कि डिफरेंट, मोर देन वन। ठीक है, मोनोथीज्म में क्या होता है, बेसिकली एक गॉड, एकेश्वर, एक गॉड, एक ईश्वर के ऊपर बिलीव किया जाता है, जैसे कि अपना क्रिश्चियनिटी हो गया और इस्लाम हो गया। फिर सेकंड स्टेज में आता है इधर मेटाफिजिकल स्टेज। अब थियोलॉजी तो देख लिया हमने पीछे, तो अब ये है सेकंड स्टेज कौन सा, मेटाफिजिकल। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिकली नेचर ऑफ सोसाइटी क्या होता है, लीगल सोसाइटी होती है, जो कुछ भी है कायदे कानून से होता है। ठीक है, और यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या होता है, तो यूनिट ऑफ सोसाइटी उधर फैमिली था थियोलॉजी में, तो इसमें क्या है, इसमें नेशन है, एक राष्ट्र होता है, जैसे कि मिडाइवल फेज में हम देखेंगे कि राष्ट्र जो होता है उनके लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, सीमाएं होती है। ठीक है, और बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इसमें, तो म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस होता है और कलेक्टिव ऑर्डर होता है, जो राजा जो कहेगा तो जो गवर्नमेंट जो ऑर्डर देंगी तो सबको कलेक्टिवली फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि एक राजा ने एक नेशन का जो भी रूल है तो म्यूचुअली सबको मानना पड़ता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एंड वेनरेशन होता है, बेसिकली मिडाइवल जो सोसाइटी उसके बारे में उन्होंने बताया है। और थर्ड स्टेज जो है वो पॉजिटिव स्टेज है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताया है, नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है, इसका यूनिट ऑफ सोसाइटी है इंटायर ह्यूमैनिटी, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि ये आज की जो सोसाइटी है इसमें बेसिकली हम जितने भी न्यू इन्वेंशन होता है वो किसके लिए होता है, इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए तो होता है। जैसे कि अभी वैक्सीन बन रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि यूएसए में वैक्सीन बनेगा और वो इंडिया को नहीं देंगे, नहीं होगा, वैक्सीन कहीं पे भी बने वो इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए होगा, यूनिवर्सैलिटी होगी उसमें, हर जगह पे ये होगा एंड यूनिवर्सल ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर है बेसिक प्रिंसिपल वो यूनिवर्सल होगा। और इसमें इस सोसाइटी में काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस, एक दूसरे के प्रति प्यार और एक दूसरे की भलाई इसमें देखी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।